नमस्ते दोस्तों, मैं झुमा घोष, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक वेज ब्रेकफास्ट रेसिपी, रावा उपमा या सूजी का उपमा। आइए देखते हैं हम ये रेसिपी किस तरह से बनाएंगे। हम पहले कढ़ाई को गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से। उसमें एक कप हम रावा दिए, करीब 150 ग्राम रावा है। इसको हम थोड़ा ड्राई भून लेंगे, एक करीब ऑफ वाइट कलर आने तक हम इसको भूनेंगे। सो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा भूनने में, हम मीडियम फ्लेम में इसको भूनेंगे। ये भुना हो गया, हम इसको दूसरा बर्तन में निकाल लेंगे। 4 टीस्पून हम तेल डालेंगे। हम ये सनफ्लावर ऑयल से बना रहे हैं, आप अगर चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं। वन टीस्पून हम मस्टर्ड सीड देंगे, सरसों। सो थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, फिर करी पत्ता देंगे, ये भी थोड़ा फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम बादाम दे देंगे, करीब 2 टेबलस्पून बादाम दिए। इसको थोड़ा सा हम तेल में फ्राई करेंगे। अगर आप चाहे तो करी पत्ता को अलग से निकाल के भी ये फ्राई कर सकते हैं, हम एक साथ फ्राई कर रहे हैं। 5 से 6 बीन्स लिए हैं, 1 गाजर लिए हैं, करीब 1 इंच अदरक लिए हैं और 1 हरी मिर्च लिए हैं। आप दूसरे इसमें भी सब्जी और ऐड कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं फ्राई करेंगे। हम मीडियम फ्लेम में फ्राई कर रहे हैं, करीब 2 मिनट फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा नमक दे दिए। ये करीब फ्राई हो चुका, अब इसमें हम किशमिश डालेंगे। किशमिश भी हम 2 टेबलस्पून लिए हैं। अब इसमें हम भुना हुआ रावा मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। फिर फ्लेम को हम हाई करके इसमें करीब 1.5 कप हम पानी देंगे। हम जिस नाप से रावा लिए थे उसी नाप से हम पानी दिए, ये 1 कप दिए, फिर 1/2 कप पानी देंगे। इस रेसिपी में पानी और फ्लेम का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्लेम में 1 मिनट, पहले हाई फ्लेम में 1 मिनट हम पकाएं, फिर लो फ्लेम में 2 मिनट पकाएं। इसमें थोड़ा सा हम शक्कर पाउडर दिए, यह आप आपके टेस्ट के अनुसार दीजिए, इसे थोड़ा तीखा मीठा टेस्ट होगा। ये हम 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें 1 टीस्पून घी दिए। ये मेरा तैयार हो गया रावा उपमा। हम फ्लेम को बंद करके थोड़ा ढक के छोड़ देंगे। ये देखिए तैयार हो गया रावा उपमा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।